नमस्कार, मैं माही शर्मा, आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जिसका मकसद है प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना, जिसका मकसद है विकास की राजनीति को बढ़ावा देना, जिसका मकसद है जन साहूकार की बातें करना। तो आज मैं हूँ मोहनलालगंज विधानसभा लखनऊ के मिर्जापुर गांव में। गांव की जनता है मेरे साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। इस बार किसकी सरकार आएगी, देखते हैं और पूछते हैं कि सरकार के काम से कितना खुश है, कितना नाखुश है, धरातल पर कितना काम हुआ है, आम जनता को कितना फ़ायदा मिला है। जनता जनार्दन से जानते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार यादव। अशोक जी, बीजेपी की सरकार है जी, सरकार के काम से खुश हैं, धरातल पर विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, 5 सालों में कुछ किया ही नहीं। 5 साल में कोई काम नहीं हुआ? यहाँ के गांव में दो, हमारा गांव मस्ते में मिर्जापुर लगता है, यहाँ से आज तक 1 रुपए की कोई विकास नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई वो है ही नहीं। 5 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, इससे पहले जो सरकार थी, इससे पहले अखिलेश भैया थे, हमारे क्षेत्र का विकास ही विकास हुआ है, पूरे लखनऊ के जिले भर का विकास हुआ है। अन्य जगह नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन अपने जिले भर की बात हम एकदम कर रहे हैं कि 5 सालों में अखिलेश भैया ने विकास किया, लेकिन इस बार 5 सालों में उन्होंने सिर्फ नाम बदला है। इकाना स्टेडियम नाम अटल बिहारी इकाना स्टेडियम कर दिया है, उनसे मतलब सिर्फ नाम बदलना और फीता काटने का काम किया कि जो काम मतलब अखिलेश भैया बनाए हैं उनको जाके फीता काटे हैं, मतलब डबल फीता। अखिलेश भैया एक बार उसका उद्घाटन किया, उसके बाद जाके अपना मैंने किया है, उन्होंने खुद फीता काटा है। डबल इंजन की सरकार से कुछ फायदा नहीं हुआ, हमारे क्षेत्र में कुछ फायदा नहीं हुआ, कहीं कोई मतलब नहीं। तो आने वाले टाइम में अगर सरकार आती है तो उनसे क्या मांगे रखेंगे आप? क्या चाहते हैं कि यहाँ पे मिर्जापुर गांव में विकास हो? हम लोगों को बगैर मांगे मिल जाता है, मांगने कोई सवाल ही नहीं। अखिलेश भैया ऐसा करते हैं कि हम लोगों को, हमारा लोगों को रोजगार चल जाता, मांगने कोई सवाल ही नहीं। जब इसमें कुछ मिला नहीं, रोजगार कोई मिला नहीं, तो मांगना पड़े उन, तो मांग क्या मांगने जाए। अखिलेश भैया बगैर मांगे देते हैं, जब रोजगार मिल रहा है तो बगैर मांगे मिल ही रहा है। हम लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो मांगने कौन सवाल है, कोई मतलब इस बार एकदम क्लियर है। यहाँ से मोहनलालगंज सीट अखिलेश भैया की क्लियर है, हम लोग देंगे वोट, खुल के देंगे, विरोध करके देंगे, किसी तरीके से देंगे, हर प्रकार से अखिलेश भैया ही हमारे यहाँ के पुष्कर अमरीश पुष्कर खड़े मतलब उतरे हैं मैदान में, उनको ही हम विधायक बनाएंगे। विधायक जी के काम से खुश हैं? बिल्कुल एकदम। चलिए, मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कितना खुश हैं, कितना नाखुश है। क्या नाम है आपका? संगीत यादव। अभी इन्होंने बोला, आप उनकी बात से सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल सहमत हैं। धरातल पर विकास इन्होंने बोला कि नहीं हुआ है? भाई, विकास योगी सरकार में तो कुछ नहीं हुआ है। हमारे यहाँ योगी जी जो जितने काम हुए हैं उनका तो दोबारा उद्घाटन करके उनका वो ले रहे हैं श्रेय, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो तो सब पहले से अखिलेश यादव ने बनवा दिया था। हमारे वहाँ आईटी सिटी, SCL, अमूल डेयरी, इकाना क्रिकेट स्टेडियम, मातृ शिशु हॉस्पिटल, पुलिस मुख्यालय, 100 डायल, ये सब अखिलेश की देन है। तो आपका कहना सीधा सीधा ये है कि बीजेपी की सरकार ने कोई काम नहीं किया है? हाँ, कोई काम नहीं किया, केवल नाम चेंज किया और कोई काम नहीं किया है। चलिए, मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं, क्या नहीं कहते। मेरे साथ कुछ लोग हैं, किसान हैं, गांव में हैं हम, तो थोड़ी सी खेती बाड़ी की बात करते हैं, कृषि को लेकर बात करते हैं। अभी हम दूसरे गांव में गए थे, वहां पे जो सबसे बड़ी दिक्कत आई थी किसानों की, पशुओं को लेकर। इस गांव में अरे बहुत जानवर छुट्टा है, जब से इनकी सब फसल नाश कर दे रहे हैं, छुट्टे जानवरों से दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। इतना रूंदी बनाई ना तो कुछ ना बचे, रात दिन खेत में लेटते हैं तब भी नहीं। एक मिनट में आती हूं, क्या? अरे रात दिन सर लेटते हैं तब भी नहीं गल्ला बच रहा, सांड है सब छुट्टा है, वो खाते हैं, हम लोग बहुत परेशान है, यहाँ कोई फसल बची नहीं रही। स्टेडियम पास तो रहते हैं हम लोग। मिर्जापुर गांव में आप काफी टाइम से रह रहे हैं, बुजुर्ग हैं आप लोग, विकास कितना हुआ है? अभी बीजेपी की सरकार है, इससे पहले जो सरकार थी, हम लोग तंग हैं इससे, बहुत तंग है। बीजेपी सरकार तो है, कहीं कोरोना, कहीं लागमारी, कहीं डाउन, कहीं का ये करते, काम भी ना, हमारी रोजी रोटी भी नहीं चल रही सर। अब मजदूरी कहाँ लग रहे, जहाँ जाते कहाँ कहते कोरोना है, भगाते वो वहाँ से। कितना सहमत है आप इनकी बात से? अरे सहमत क्या, रोजगार के नाम पे और विकास के नाम पे हमारे ग्राम सभा में कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है, पब्लिक परेशान है। पब्लिक परेशान है जी, क्या नहीं हुआ है धरातल पर, क्या विकास नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। अंकल जी ने अभी ताऊ ने बोला कि बेरोजगारी को लेकर, जो गैस सिलेंडर मिलता था 450 रुपए, वो 1000 रुपए में आता है। जो सरसों का तेल 100 रुपए में मिलता था वो 250 रुपए मिल रहा है,
तो पब्लिक परेशान तो होगी ही होगी। जो डीजल हमारा 59 रुपए में 65 रुपए में मिलता था वो 70 रुपए 75 रुपए मिल रहा है। पेट्रोल जो था 65-70 रुपए वो 80-90 रुपए 100 रुपए के आसपास हो गया है। तो हुआ क्या है, महंगाई बढ़ी है, नाम बदले गए, बाकी कुछ नहीं हुआ है। रोड को लेकर भी ये बोल रहे हैं, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को, कोई रोड रिपेयरिंग नहीं हुआ है। इससे पहले हर वर्ष रोड रिपेयरिंग होती थी जी, हमारे यहाँ कोई रोड रिपेयरिंग नहीं हुआ है। नहीं हुआ है जी, नहीं। बेरोजगारी का भी सवाल ताऊ ने उठाया, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई रोजगार नहीं हुआ, रोजगारी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। जो बेचारे शिक्षा मित्र वाले 30,000-32,000 पाते थे, उनका घट करके 10,000-12,000 रुपये, पता नहीं कितने फांसी भी लटक गए, कितने आत्महत्या कर लिए, क्या हुआ है। कुछ और लोग भी है, उनसे भी जानना चाहूंगी मैं, युवा है मेरे साथ, उनसे जानते हैं बेरोजगारी को लेकर कितना हद तक बेरोजगारी बढ़ी है, क्योंकि हम और भी जिले में गए थे, वहाँ पे भी सबसे बड़ा जो सवाल आया वो था बेरोजगारी को लेकर, उसके बारे में क्या कहेंगे। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि हर गांव में हर शहर में इतने ज़्यादा युवा हैं कि वो सब बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको कोई काम नहीं। हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी इंटर पास किए हैं, लेकिन नौकरी कोई मिल ही नहीं रही, एज निकलती जा रही है। बाकी जगह हम गए थे तो वहाँ पे मुद्दा ये उठा था, तो लोगों का कहना ये था कि सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए लोगों को, सरकारी के बजाय प्राइवेट भी नौकरियाँ तो नहीं है। अगर प्राइवेट भी नौकरी मिल जाए तो लोगों को कम से कम दो वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। प्राइवेट भी सेक्टर में कहीं कोई नौकरी नहीं, लॉकडाउन जब से चल रहा है कोई ड्राइवरी करता है, कोई क्या करता है, खेती भी नहीं हो पा रही है, सब लोग परेशान हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कुछ कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, क्योंकि अभी सवाल उठा है गांव में नाली और सड़क की व्यवस्था को लेकर। नालियों के बारे में और सड़क के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी, मिर्जापुर गांव की हालत। नालियों के बारे में तो आप नालियों का वीडियो देख लीजिए, बना लीजिए, नालियों की क्या हालत है, टूटी फूटी पड़ी हुई, गांव में पानी भरा पड़ा हुआ, उसी की चक्कर से सारी रोड खराब हुई जा रही है। यहाँ कोई विकास कार्य हुआ ही नहीं है, ना नाली ना सड़क ना खड़ंजा, कुछ नहीं हुआ है। क्या आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? अब सफाई कर्मी की नौकरी यहाँ पे लगी है हर गांव में, लेकिन इन 5 सालों में कोई सफाई कर्मी आया ही नहीं, कोई नाली साफ करने, कोई रास्ता साफ करने ही नहीं आया। ये राज है मतलब योगी की, मतलब 5 साल पहले हर रास्ता साफ होते थे, उनके आदमी आते थे साफ करने के लिए नगर, और इस बार हमारा गांव नगर निगम में भी आ गया है, उसके बावजूद भी कोई वो नहीं है। आप लोगों ने इसकी शिकायत की हम लोगों ने कई बार प्रार्थना पत्र भी लिख के दिया, लेकिन याद देंगे मोहलालगंज जाएंगे, ब्लॉक जाएंगे बस, और उससे ज़्यादा हम लोग कहीं इस पर सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। ब्लॉक तक पहुँचते हैं ब्लॉक के अधिकारी, जब उन्हें सारा सिस्टम है कोई सुनता ही नहीं, क्या सुनेगा, बोल के चले आओ। 88 गांव जो है वो नगर निगम के चुनाव चले गए हैं, हमारा गांव उसी में आया है, आपका भी गांव इसी में आया है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी। फिर गांव में विकास कैसे होगा, क्योंकि लोग गांव के प्रधान जी के पास जाते हैं। पहले तो प्रधान जी के पास था, प्रधान ही खत्म हो गए, 2 साल हो गए प्रधान ही खत्म, इन 2 सालों में तो नालियों तो एकदम चौके हो गई। पहले तो थोड़ा बहुत काम प्रधान थोड़ा बहुत करते भी थे, लेकिन अब प्रधान काम खत्म हो गया, अब यहाँ का कौन देखेगा, कुछ नहीं, 2 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, उसके बारे में कहना क्या, प्रधानी खत्म होगी, प्रधानी को तो अब कोई विधायक बनेगा, सभासद बनेगा, तब देखा जाएगा मतलब कैसे कौन बनता है, उसी से हम लोग कुछ बना पाएंगे बिगाड़ पाएंगे, वही हो सकता है जो मौके कोई आएगा। अब तो जो बीत गया वो बीत गया है, अब जो आने वाला है उसको देखना है कि कौन कैसे है, ये चीज हम जानते हैं बस। अब क्या, पहले तो जो हो गया तो हो गया। चलिए ये थी आम जनता गांव की, मिर्जापुर गांव की, फिर मिलेंगे किसी और विधानसभा में किसी और गांव में आम जनता की समस्याओं के साथ। देखते रहिए आईपा, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।